हमारी जो गवर्नमेंट है, मंडियां हैं, वो सुचारू रूप से चली हुई है। सारे कांग्रेस के षड्यंत्र के बावजूद कांग्रेस नहीं चाहती थी कि मंडियां सुचारू रूप से चलें, किसानों के सीधा पैसा जाए, लेकिन किसानों के सहयोग से, आढ़तियों के सहयोग से अभी तक हम लगभग 60,000 मीट्रिक टन बाजरा की खरीद कर चुके हैं, जो कि मोटा मोटी 20-22% पिछले साल की उसकी खरीद है। 10 दिन हुए हैं, 2 दिन छुट्टी के थे। पैडी की हमने 15 लाख मीट्रिक टन की परचेज कर दी है। कॉटन की भी मंडियों में आवक लगभग 3 लाख क्विंटल है। और इस बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात करके ये परमिशन दिला दी कि हरियाणा की 100% कॉटन केंद्र सरकार खरीदेगी, और कॉटन की परचेज जो है पूरा साल चालू रहती है, क्योंकि मॉइस्चर का मुद्दा है। शुरू शुरू में कॉटन में मॉइस्चर ज़्यादा होता है, और हमने एक अनोखी योजना और शुरू की है। पहले जैसे हमारे पास केंद्र की स्कीम थी फसल बीमा योजना, कांग्रेस ने इस बीमा योजना को सेठ साहूकारों के हक में बताया था, लेकिन ये बहुत सफल रही है। और जब से योजना शुरू हुई, किसानों से हमने हरियाणा में 913 करोड़ रुपए लिए हैं प्रीमियम के, और 2,944 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाल चुके हैं। इसी श्रृंखला में इसी तरह से बागवानी के लिए और सब्जी के लिए कोई योजना नहीं थी। भावांतर भरपाई योजना तो थी, लेकिन भावांतर भरपाई में तो सिर्फ भाव का जो रिस्क था वो कवर होता था। अब हमारी सरकार ने फैसला किया है कि जो सब्जियों की और फलों में ओलावृष्टि से नुकसान हो जाता है, जल भराव से नुकसान हो जाता है, आंधी तूफान में फसल खराब हो जाती है, और ये सब्जी और फलों की ऊंची ज़्यादा लागत की फसलें हैं, तो उसमें 2.5% प्रीमियम लेंगे और 40,000 रुपये तक का बीमा जो है हरियाणा सरकार, हमारा जो विभाग है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, उसकी एक अलग एंसरी बना के वो करेगी। सब्जी और फलों की फसल में लागत बहुत होती है, हालांकि फसल तो 1-1 लाख रुपए तक की होगी। इसको कम ज़्यादा करना होगा बीमा को, तो किसानों से सलाह करके हम करते रहेंगे। हरियाणा की सरकार किसान हितैषी सरकार है और हर फैसला करने के लिए तैयार है, और किसान की आमदनी बढ़ाने का तरीका एक ये है कि किसान को सस्ती पूंजी दे, वो जो केसीसी के द्वारा हम दे रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा जो किसान केसीसी है टाइम पर भुगतान करता है, उसको इंटरेस्ट सबवेंशन 3% भारत सरकार का है, 4% हरियाणा सरकार का है, 0% ब्याज पे उसको पूंजी उपलब्ध कराते हैं। और इससे आगे बढ़ के हमारी योजना है कि जो नेशनलाइज बैंक है उनका भी हम इसी तरह से, जो कोऑपरेटिव बैंक का है उसके करने पे विचार कर रहे हैं। किसानों के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। किसान को जोखिम फ्री करना, किसान को लाभकारी मूल्य देना, किसान के MSP पे परचेज करना, किसान को सीधी पेमेंट करना, ये हमारा लक्ष्य है। और जो सब्जियां हमने ली हैं इसमें टमाटो, ऑनियन, पोटैटो, कॉलीफ्लावर, पी, कैरेट, भिंडी, बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड, ब्रिंजल, चिल्ली, कैप्सिकम,
कैबेज और रेडिश 14 सब्जियां इस बीमा में आएंगी। 2 है टर्मरिक और गार्लिक, ये स्पाइसेस होंगी। और फलों में किन्नू, गोवा, मैंगो और बेर, जो मुख्यतः 4 फल हमारे हरियाणा के हैं, वो उनका बीमा होगा। 2 ये मसालों का बीमा होगा और 14 सब्जियों का बीमा होगा। हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने फसल बीमा के द्वारा किसानों को बहुत मदद की है, जोखिम फ्री किया है। और सब दुष्प्रचार के बावजूद आज ये लोकप्रिय योजना है। इस बार बीमा योजना जो है स्वैच्छिक है, उसके बावजूद किसान इसको खूब ध्यान से अडॉप्ट किए जा रहे हैं। और उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि किसानों ने इस बीमा योजना को पसंद किया है, तो हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि भाई इसको सब्जियों में, फलों में, मसालों में भी इसको आगे बढ़ाया जाए। हरियाणा सरकार, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, सबसे ज़्यादा तो मुआवजा दिया है। जो केंद्र सरकार नहीं, जो पुरानी सरकार थी, फसल बीमा योजना का 164 करोड़ रुपए दिया था 10 साल में हुड्डा साहब ने, हमने 2944 करोड़ रुपए दिया है। और हरियाणा के बगैर बीमित किसान थे, उनकी फसल ख़राब हुई, 10 साल में हुड्डा साहब ने 827 करोड़ रुपए दिया था, जो हमने 2765 करोड़ रुपए दिया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी की जो योजना है 6,000 रुपए की, उसमें भी लगभग 1800 करोड़ रुपए हम दे चुके हैं। 18 लाख किसानों को हरियाणा को, और एक किस्त और चलेगी, वो उसका जोड़ और कर देंगे तो और बढ़ जाएगा। बिजली का कांग्रेस के वक्त में 4853 करोड़ रुपए की सब्सिडी थी, जबकि रेट नहीं बढ़ाए हमने, 4853 करोड़ रुपए की वार्षिक सब्सिडी एवरेज, जो हमारे वक्त में 6800 करोड़ रुपए से ऊपर होगी। रेट नहीं बढ़ाए बिजली के, रेट वही रहे बल्कि घटे हैं बिजली के, उसके बावजूद हमने किसानों को और ज़्यादा ट्यूबवेल कनेक्शन दिए, और ज़्यादा सहयोग दिया। ड्रिप इरिगेशन में 85% तक सब्सिडी है। मेरा पानी मेरा विरासत में हमने 7,500 रुपये दिए। मंडियां जो हैं, अगले महीने 1.5 महीने के अंदर एशिया की सबसे बड़ी मंडी होगी, इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट, वो उसका काम शुरू हो जाएगा। ये जो कांग्रेस का दुष्प्रचार है कि मंडियां नहीं रहेंगी, उसका जवाब हमारा ये है कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी हरियाणा के कन्नौर में बढ़ने जा रही है। एप्पल मार्केट हमारी बढ़ने जा रही है पिंजौर में, सोनीपत में हम मसाला मार्केट बनाएंगे, गुड़गांव के अंदर फूलों के मार्केट बनाएंगे, और फार्म गेट प्रोसेसिंग के लिए छोटे छोटे किसानों के बच्चों को 2-2 करोड़ रुपए तक की पूंजी बैंकों से दिलवाने का कार्यक्रम है। 3% इंटरेस्ट सबवेंशन उस पर है। पैक हाउस के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए, गोडाउन के लिए, वेयर हाउस के लिए, ताकि किसान के बच्चे छोटे रोजगार के चक्कर में बाहर घर से गांव छोड़ के ना जाएं, वो हमारी स्कीम है। मछली पालन के लिए हमने 2,500 नए फार्म बनाने का लक्ष्य रखा है। और जो गरीब आदमी किसान हैं, जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है, जो पशुपालन करके, बकरी पाल के, भेड़ पाल के अपना गुजारा करना चाहते हैं, अब तक देश में सबसे ज़्यादा 80,000 पशुधन क्रेडिट कार्ड हमने बनवाए हैं। 1,60,000 रुपये तक का पूंजी 4% ब्याज पर उनको मिलेगी। जो गांव में रहने वाला छोटा किसान है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, भेड़ बकरी पाल के, गाय पाल के, भैंस पाल के अपना गुजारा करता है, और यह हमारा लक्ष्य जो है, कम से कम 5 लाख
परिवारों को सहायता कराने का है। जो गांव में शोषण करता है, हमारी लड़ाई पूंजीपति से है। हम गरीब की और किसान की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, मनोहर लाल जी, हम लड़ रहे हैं। एक तरफ गरीब है और एक तरफ साहूकार है। साहूकार जिन्होंने शोषण किया है वो कांग्रेस के साथ है। जिन्होंने किसानों को 24% 30% ब्याज पर पैसा दिया है, और हम आज फिर कहते हैं कि ब्याज का काम पूंजी का व्यापार करना है, उसकी जगह मंडियों में नहीं है। मंडियां फसल खरीदने बेचने के लिए हैं। पूंजी का व्यापार करना है तो बैंक का लाइसेंस लीजिए, कोई NBFC का लाइसेंस लीजिए। किसानों का शोषण मत करिए। और कांग्रेस बिचौलियों की पार्टी है। कांग्रेस ने हमेशा ही बिचौलियों का साथ दिया है। और किसानों की आज जो दुर्दशा है 60-70 साल में, मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि किसान की हालत अगर आज कमज़ोर है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है।